हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि पढ़ाई कहाँ से की जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसकी जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, ठीक है, जो बुक्स मैं बताऊँ, जो किताबें मैं बताऊँ, अगर आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपकी जो परीक्षा है वो आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे 110%, मतलब 110% आप लोग अपनी परीक्षा पास कर लेंगे बिना कोचिंग। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाए इस वीडियो के बाद तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो ये सिलेबस इतना इजी मुझे लगा है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक महीने के अंदर इसको आपका पूरा कंप्लीट करवा सकता हूँ। अगर आप लोग कहें तो मैं ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी, बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी 2021। ठीक है, तो सिलेबस तो आप लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पे हल्का हल्का बस ये देख लीजिए पैटर्न। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आएगी, जीए और जीएस आएगी। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक जो आपकी गणित है वो आएगी, और इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी के बारे में बताया है, बाकी ये तीनों चीज़ों के बारे में बताया और हिंदी के बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण किताबें, सबसे पहले सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, जो जीके और जीएस के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो लूसेंट की ये है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आपको कहानी के रूप में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब ठीक है। और जो अगर आप लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चाहें, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आपको ये बुक, दोनों लूसेंट की ही हैं, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, सारे पूरी बुक में आपको बहुविकल्पी प्रश्न सारे मिल जाएंगे। और अगर आपको उस तरीके से पढ़ना है पाठ के रूप में, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो आपको ये बुक ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई एक भी ले लेंगे और अच्छे से पूरी अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो 100% आपका जीएस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर देखिए, गणित में भी दो बुक्स हैं, उनमें से कोई एक आप लोग ले लीजिए। मैथ में देखिए, अंक गणित की जो आपकी है, ये है आपकी एसडी यादव की। ठीक है, एसडी यादव, ठीक, एक है एसडी यादव की और दूसरी है आपकी अंक गणित, ये है आपकी आरएस अग्रवाल की। ठीक है, आरएस अग्रवाल, ठीक, आरएस अग्रवाल और एसडी यादव में से कोई एक बुक। ठीक है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स आए हैं आपके, देखिए आपका सिलेबस है, इसमें मैंने पूरा चेक कर लिया है कि जितने भी टॉपिक आपके यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में दिए गए वो सारे इन दोनों में मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई एक बुक अगर आपने पूरी लगा ली तो 100% आपका यहाँ पर, मतलब मैथ्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 100% आपका सारा कवर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, हिंदी में, हिंदी के लिए एक ही बुक है, सामान्य हिंदी की, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ये अगर आप लोग ये कर लेंगे तो 100% आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा आपका हिंदी का। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, और जो लास्ट आपकी रीजनिंग की बुक है, रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक है, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण। ठीक है, ये बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, अगर आप लोग इसको लेके इसको सॉल्व करते हैं तो 100% आपके जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार बुक जो मैंने आपको बता दी हैं, इन यही आप लोग ले लीजिए और 100% आप बुक स्टोर पे जाइए। ठीक है, किताब दुकान पे जाइए, वहाँ पे जाके खुद ही देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बुक्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका, मतलब जो कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट करवा सकता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो आपकी मैथ्स भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग और जो आपका जीएस का पोर्शन है वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई जा सकती है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको करवा दूंगा। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।